ये भाई आईफोन लगे हुए हैं, इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं। टोटल प्राइस है जी 1100 और मंथली कितनी जी 53 पाउंड। तो ये है प्रो मैक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज यार काफ़ी दिन के बाद आपका भाई व्लॉग बना रहा है। आज हम छुट्टी थी तो बाहर निकले घूमने फिरने के लिए, तो एक मॉल में आए थे मैनचेस्टर में ना। तो इस मॉल का नाम है अरंडेल, आई थिंक अरंडेल नाम है मॉल का नाम, अरंडेल नाम है आई थिंक। तो इस मॉल का बड़ा मुश्किल सा नाम है, तो ये मैनचेस्टर सिटी सेंटर में है। तो यार अभी हम आए हैं ब्रांड पे नाइकी और वगैरह के शूज़ वगैरह देखने के लिए। ये एडिडास का ब्रांड है। अभी ये बच्चों की जो है ना वैरायटी हम देख रहे हैं, कसम से बहुत महंगी है यहाँ पे। ये छोटे बच्चे का शूज़ है जो है ना 25 पाउंड का, और जो बड़े शूज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊँ तो वो तो ज़्यादा ही महंगे हैं। तकरीबन ये जूनियर्स के हैं, एडिडास के, नाइकी के। तो मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि ये कितने के हैं। मैंने जो पसंद किए हैं वो तकरीबन 150 पाउंड के थे मेरे ख्याल से, और मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये भाई वॉच के लिए हम देख रहे हैं, छोटे छोटे शूज़ हैं, चेक करो कितने नाइकी के स्पेशल। वॉच को भी जो है ना हमने अब ब्रांड बनाना है यहाँ पे यूके में आ गए, इस वजह से मैंने कहा वॉच के लिए भी जो है ना ब्रांड देख लें। छोटे छोटे शूज़ हैं और इतने महंगे हैं ये 65 पाउंड 70 पाउंड। तो जो है ना इसको फिर आप पाकिस्तान में जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे छोटे छोटे शूज़ कितने महंगे हैं यहाँ पे। बच्चों की वैरायटी भी कितनी महंगी है नाइकी की। नाइकी भाई ओरिजिनल ब्रांड है, इस वजह से बहुत महंगा है। तो वो आज सब अभी सोए हुए हैं देखो प्रैम में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लूँ लोगों के लिए, बड़े दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं बनाया था। आज हमें छुट्टी तो इसलिए हम बाहर निकले हैं घूमने फिरने के लिए, साथ वॉच के लिए कुछ देखने के लिए। लेकिन ये बड़ों की साइज है भाई, मेंस की है। टिम्बरलैंड के शूज़ लगे हैं ओरिजिनल, ये मैंने पसंद किया। टिम्बरलैंड का बड़ा खूबसूरत शूज़ है ये, ओरिजिनल टिम्बरलैंड का। लेकिन ये है कितने का है? मैं बताता हूँ आपको एक सेकेंड। ये देख सकते हो भाई, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसकी जो प्राइस है वो 120 पाउंड है। इसके समय फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा खूबसूरत शूज़ है। मैंने इस तरह का ये पाकिस्तान से लिया था 8000 रुपये का, और इसकी फिनिशिंग और उसकी फिनिशिंग में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें ये लॉन्ग भी पड़ा हुआ है, ये भी लॉन्ग पड़े हैं टिम्बरलैंड के। ये तकरीबन कितने का जी? 180 पाउंड का ये भाई, 180 पाउंड। और ये है जी 105 पाउंड, और ये है जी 100 पाउंड। ये भाई ओरिजिनल जो है ना टिम्बरलैंड ब्रांड है, इसलिए इसके महंगे हैं। आओ जरा नाइकी वगैरह के देखते हैं, एडिडास के मैंने देखे वो भी काफ़ी महंगे हैं। तो आपके भाई को फिलहाल कोई पसंद तो आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, पैसे बहुत ज़्यादा है। ये है जी नाइकी के हैं, ये तो ज़्यादा ही महंगे होंगे मेरे ख्याल से, 170 पाउंड भाई। देखो अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखो 170 पाउंड, 170 पाउंड का शूज़ है ये। लेंगे लेंगे इंशाल्लाह, हम भी कभी ना कभी तो लेंगे। तो बहुत ज़्यादा महंगा है नाइकी यहाँ पर, ओरिजिनल चीज़ें तो महंगी ही होती हैं, इसलिए जो भी आए बंदा वो जो है ना ये चीज़ें मत ले क्योंकि ये बहुत महंगे शूज़ हैं। आपके भाई को पसंद आ रहे हैं लेकिन अभी जो है लेंगे इंशाल्लाह थोड़े अच्छे बाद, जब थोड़े पैसे इकट्ठे से कर लेंगे फिर लेंगे। तो फिलहाल तो आज हम विज़िट करने आए हैं, हमने कहा ब्रांड चेक करें कौन कौन से मज़े के हैं यहाँ पे। इतने मज़े के शूज़ हैं यहाँ पे ओरिजिनल, वो भी पाकिस्तान में आपको पता है ये शूज़ ओरिजिनल नाइकी के 40-40-50 हज़ार के मिलते हैं, यहाँ 100-120 पाउंड के मिल जाते हैं अच्छे शूज़। तो इंशाल्लाह लेंगे यहाँ पे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, कमाएंगे तो यहाँ से ही कमाएंगे, यहाँ पे ही लेंगे फिर पाकिस्तान जाएंगे पहनेंगे। तो मॉल में आए यार, तो मॉल में देखने आए कुछ चीज़ें वैसे ही हमने कहा ना विंडो शॉपिंग करें। तो ये पता नहीं कौन सी शॉप है, बिल्ड अप बियर वर्कशॉप। तो हमने सोचा कि चलो इधर टॉय देखते हैं जाके। वाज साहब तो सोए हैं, टॉय बड़े ज़बरदस्त लगे हुए हैं यहाँ पर। मॉल बहुत बड़ा है यार कसम से ये। तो अभी आपका भाई जो है ना देख रहा है कुछ चीज़ें चीज़ें लेडी से नहीं, कोई नहीं विंडो शॉपिंग करनी है यहाँ पे। तो ये चेक करो फिलिंग हो रही है टॉय के अंदर, ये उसके अंदर वो कॉटन मेरे ख्याल से फिल कर रहे हैं। फिलिंग चेक करो भाई, ये चेक करो
वो फिल हो गए तो पूरा बालू बन जाएगा। सही है ना। तो ये सीन है यहाँ पे, ये सीन चल रहा है बिल्ड अ टेडी बियर, इसका नाम इसी वजह से है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, फिर साथ साथ आपको दिखाता हूँ क्या सीन है इस मॉल का। चेक करो भाई कितना बड़ा मॉल है। लास्ट टाइम मैं ट्रैफर्ड मॉल गया था, वो भी काफ़ी बड़ा है और ये भी काफ़ी बड़ा है। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, देखो ऊपर भी है नीचे भी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सही जिसको कहते हैं ना मॉल, वो मॉल बनाया हुआ इन्होंने, खर्चा तो किया भाई गोरों ने। चेक करो ये क्या है, कॉफ़ी शॉप है ये। चेक करो मॉल, ये सिटी सेंटर में मॉल है भाई। तो अभी आपका भाई मॉल में फिर रहा है भाई, हम ऊपर आ गए। ये चेक करो गुची ब्रांड भी लगा हुआ है, गुची की क्या घड़ियाँ लगी हैं भाई। भाई यूके में ब्रांडों का ही काम है खाली, इधर लोकल बना नहीं फिर सकता। तो ब्रांड इतने महंगे हैं यहाँ पे यार, 100-150 pounds का काम, तो कोई चीज़ ब्रांड से मिलती ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ भी लो तो 40-50 pounds, 40-50 pounds, इतनी महंगाई है यूके में। आपको क्या बताएं, यूके में बहुत महंगाई चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो इसलिए आपका भाई अभी फिर रहा खाली। तो आज की मामा कहती हम लेंगे इंशाल्लाह, मैं कहें हाँ लेंगे, जब 1000 pounds कमाएँगे तो फिर लेंगे। फिलहाल तो हम ले लिया, तो आज के लिए हम कुछ ना कुछ लेंगे ज़रूर, क्योंकि वो आज के हमने शूज़ लेने हैं ब्रांड के। तो आज के जो है ना, हमने यहाँ पे ब्रांड वाला बनाना है। आगे पाकिस्तान में ब्रांड महंगे हैं, यहाँ पे सस्ते हैं यार, बंदा यहाँ पे 30-40 pounds की चीज़ ले सकता है, कुछ मसला नहीं है। अगर आप काम शाम अच्छा करते हो तो आप ले सकते हो, इतनी महंगाई इस नहीं है, ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल महंगा है, जो लेने लोग आते हैं जो पुराने हो जाते हैं उनके लिए महंगा नहीं है। इनसे यहाँ पे चेक करो ब्रांड कितने ज़्यादा हैं। हम नीचे थे पहले, अब नीचे से ऊपर आए हैं। जैक एंड जोन्स भी भाई ब्रांड है, प्योर भी ब्रांड है यहाँ पे, क्विज़ कोई ब्रांड है, अब पता नहीं क्विज़ क्या है, HMV भी कोई ब्रांड है, काफ़ी ब्रांड है यहाँ पे, ये क्विज़ ब्रांड है। डिफरेंट टाइप्स की भाई जालियाँ चेक करो तुम लोग, कितनी जालियाँ हैं ये, पता नहीं क्या क्या है ये, इसमें क्या क्या है और कौन कौन सी नस्लों की जालियाँ हैं, कोई नाम नहीं पता है हमें इनका, ना हमने खानी है, पता नहीं है लाल है क्या राम है, अब कोई पता नहीं है। गोरे गोरे तो ले रहे हैं, कोई हलाल है, दिस इज़ हलाल, इसके ऊपर लिखा है हलाल, दिस वन इज़ हलाल, बस जिसके ऊपर जिसके ऊपर टैग लगा है लाल का, बस वो एक ही लाल है, नहीं ये भी लाल है, दो लाल है। यह दिस इज़ ऑल्सो हलाल, बस सारी मेरे ख्याल से हलाल नहीं है, जो हलाल हैं उनके ऊपर हलाल का टैग है। बिग मैश मैलो क्या करनी है हमने भाई, ये मैश मैलो खाना नहीं होती इधर। मैश मैलो को लोग पता क्या आग पे पका खाते हैं गोरे, पता नहीं कैसे खाते हैं। इस साइड पे भी जालियाँ लगी हैं, ये हलाल है, अच्छा ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये सारी हलाल है, इसके ऊपर टैग नहीं है भाई, इसका मतलब है ये हलाल नहीं है, इस पे भी टैग नहीं है, इस पे टैग है मेरे ख्याल से, पता नहीं मिटा दिया अब हलाल है कि नहीं है, इनके ऊपर से मिटाया हुआ है, पता नहीं ये हलाल है कि नहीं है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ये हलाल है आई थिंक सो, जिसके ऊपर से टैग नहीं हो रहा है। कितने की ये, मेरे ख्याल से 3 pounds, किंगडम ऑफ स्वीट्स ऑल काइंड सेम प्राइस, 3 pounds per 100 gram, अच्छा 100 gram लो 3 pounds की, चलो इतनी महंगी हैं जालियाँ। जालियाँ तो लेनी भाई, हवावे की वॉच मैंने कहा देख लूँ कोई लगी है, हवावे GT3 Pro योर टाइम, बड़ी महंगी है नहीं भाई, 169 pounds, 30 pounds ऑफ भी है इस पर, बहुत महंगाई है भाई यूके में। लैपटॉप्स भी लगे हुए हैं भाई, MacBook Pro भी लगी है, Apple MacBook Pro 16 inch, डिफरेंट साइज़ में है, डिफरेंट प्राइज़ में है, MacBook Pro 14 inch और 16 inch है। ये है जी MacBook Pro 13.3 2022 M2, ये ठीक है, वैसे 13.3 inch ये लेनी चाहिए, वैसे यूज़ करके देखें, और क्या मैकबुक का मज़ा है यार कसम से,
मैकबुक का तो अपना ही मजा है भाई, ये मैकबुक एयर है तो ये क्या है पता नहीं, फिलिप्स के बाबे क्या लगे हुए हैं, लाइट्स हैं आई थिंक, तो ये रिंग्स लगी है और क्या क्या लगा है इधर इस शॉप में, क्रोम बुक भी है तो सैमसंग बुक्स भी हैं, स्टार्ट होम इधर सैमसंग की बुक्स हैं, सैमसंग लैपटॉप्स लगे हुए हैं, गैलेक्सी टैब S8 ये लगा है जी, गैलेक्सी टैब S8 ये है जी, गैलेक्सी टैब S8 काफ़ी बढ़ा है यार, ये तो S8 प्लस है मेरे ख्याल से, नहीं है कितने का ये टैब लगे हुए हैं, सारे टैब लगे हुए, टैब 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 टैब, £249, £350, सैमसंग के टैब लगे हैं, सैमसंग गैलेक्सी टैब टैब, लिनोवो के, हवावे के, अच्छा जी फाइन टैबलेट्स किंडल वालों के, ये भाई आईफोन लगे हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, टोटल प्राइस है जी 1100 और मंथली कितने जी £53, तो ये है प्रो मैक्स, इधर उधर रखना, ये है प्रो मैक्स, ये भी है जी 1200 का और मंथली इसका जी 57-58 पर मंथ, ये आवाज दी अम्मा कह दी मैं लाना, इतनी बड़ी बकवास जीट मुझे तो पसंद नहीं, ये प्रो सही है यार, आईफोन 14 प्रो साइज़ भी ठीक है, हैंडी फ़ोन है, एक्चुअल साइज़ है इसका, ये लेंगे जब लेंगे तो, ये है 13, ये है जी एप्पल 13, ये कितने का 128 GB है जी 700 का, 128 GB पर मंथ 159, 150 GB सिम है और ये फ़ोन 12, ये 64 GB है, इसका तो फायदा ही नहीं भाई, ये लेंगे हम तो आईफोन 14 प्रो, जो आपका भाई हो ना पुराने फ़ोन से ब्लॉग बना रहा, जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना आप लोग खुद समझ जाना कि आईफोन ले लिया मैंने, क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं आईफोन, आईफोन भी ले लेंगे इंशाल्लाह एक मंथ तक जो है ना, कोशिश करेंगे कि ले लें इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट इतनी नहीं है यार 40-50 pound महीना कुछ भी नहीं है, बंदा आराम से मोबाइल ले सकता है और दे भी सकता है, अभी जो है ना हमारे से निकल आए अब और कहीं विजिट स्ट्रीट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा मॉल है पता नहीं जाना किधर है और आना कहाँ से है, कुछ समझ नहीं आती इनके मॉल के रास्तों की, तो अभी भाई फिर रहे हैं बस, मैंने सोचा आपको भी साथ जो है ना इन्जॉय कराऊँ, तो बाहर निकले, ये शूज़ चेक करो, ये शूज़ है क्या है पता नहीं, इतने तो बड़े शूज़ है यार, ये अच्छा कहाँ से है ये ब्लैक, ये शूज़ चेक करो भाई ये अच्छा है, उधर देखो स्ट्रॉबेरी वाला शूज़ भी है, इतने इतने बड़े शूज़ हैं यार ये शूज़ है, ये पहने का कौन, तो भाई अभी मिल्क शेक लेने वाले हैं, दिल कर रहा था स्मूथी पीने का तो ये वाले स्मूथी लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी ब्लश लेने वाले हैं, इसमें जी स्ट्रॉबेरी मैंगो एंड रसबेरी, और यह है कितने का, तकरीबन 4 pound का मीडियम है और जो है ना 5 pound का लार्ज है, हाँ तो ये अभी लेते हैं और ट्राई करते हैं ये कैसा है, फिर पी के बताता हूँ मैं आपको, ये देखें ये इधर बन रहे हैं ये शेकर, ये पीछे मशीन लगी अगले बनाने लगे, तो ये भाई हमने ले लिया है स्ट्रॉबेरी ब्लश, पता नहीं है कैसा, बड़ा रेड रेड सा लग रहा है, अभी पी के चेक करते हैं तो पता चलता है कैसा, ठीक है बहुत मज़े का नहीं है जिसको कह देते हैं, लेकिन मैंगो तो किसी काम का नहीं, खट्टा मैंगो बकवास फ्लेवर है, मैंने गलत दे दी आपने, मैंने आवाज मामा को दे दी, मैं अगर तुझे पियो मन तो मज़ा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है ये वाला फ्लेवर पास नहीं हुआ, इससे अच्छा हम जो है ना वो ले लेते हैं आइसक्रीम ठीक होती, चलो कोई बात नहीं, खैर नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो अभी यार हम मॉल से जाने लगे बाहर, क्योंकि बाहर निकल के हमने पता नहीं क्या करना है, देखते हैं बाहर जा क्या करते हैं, भाई लाइव सिंगिंग चल रही है यहाँ पे, चेक कर सकते हो आप, ये लाइव सिंगिंग हो रही है, तो
हम बाहर निकले हैं मॉल तो लाइव सिंगिंग आ गई ऑल यार। तो भाई सिटी सेंटर फिर लिए बहुत ज़्यादा, फिर के थक गए। यही चीज़ें जो थोड़ी बहुत अभी गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सिम पता कि ये सिमें भी बड़ी महंगी हैं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे सिम ले ली, सिम बहुत महंगी पड़ी है फिलहाल, बाद में लेंगे। तो अभी जो है ना हम बस लेंगे और बस ले कर जाएँगे बाजी के घर, तो वहाँ पर जाके मैं दिखाऊँगा क्या पता कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे। तो अभी जो है ना सिटी सेंटर में ही हम इधर से निकलेंगे, मॉल से निकल आए थे उसमें से। तो अब जो है ना जा रहे हैं उधर बाजी घर जाना था, तो वहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, बाजी घर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर अपने घर जाएंगे। चीज़ें हमने बहुत लेनी थी लेकिन हमने हमारा दिल नहीं कर रहा चीज़ें लेने का। बाजी घर जाएंगे वहाँ से स्टोर से वापसी पर लेंगे, क्योंकि अब सामान उठा रहे वहाँ से लेके फिरते रहे, तो कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी है यार, वो तो कुछ लेना, वो फिर जाएंगे लेके गाड़ी। तो अभी बाजी घर जा रहे हैं वहाँ से वापस जाएंगे, तो फिर तो अभी देखो हम सिटी सेंटर में ही हैं, बस इधर से राइट जाएंगे तो बस खड़ी होगी वहाँ पे। और ये बैंक है सेंटेंडर बैंक, वो सामने, और इधर प्राइम मार्क भी है जो लास्ट टाइम हम आए थे तो मैंने पता नहीं आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था, याद नहीं आ रहा। वो सामने बसें सारी चल रही हैं देख सकते हैं आप। तो आप इधर से बैठेंगे बस में तो फिर जाएंगे बाजी घर, और वाज को हम दिखाएंगे पिजन, वाज पिजन वो देखो, वाज पिजन ये देखो, पिजन ये देखो, वाज को पिजन दिखाने वाले हैं। ये पिजन भाई फिर रहे हैं, ये सिटी सेंटर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा फिरते हैं, आज तो बड़े थोड़े से हैं वरना इधर बहुत ज़्यादा होते हैं। वाज पिजन देखे आपने हैं, अच्छे वाज वाज खुश हो, आओ आओ, ओए उड़ गए उड़ गए, ओ कितने ज़्यादा उड़ गए हैं, वो उधर इकट्ठे हो गए। ये देखो भाई सारे इकट्ठे हो गए, जब खाने की चीज़ डालो फिर सारे आ जाते हैं, कितने खूबसूरत से हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ डालो खाने के लिए तो ये सारे फिर जो ना जमा होते हैं एक जगह पे। वाज पिजन देखे हैं आपने, वाज पिजन देखे हैं आपने हैं, पिजन देखे हैं, बहुत ज़्यादा हैं भाई, बड़े खूबसूरत हैं यार माशाल्लाह। किस तरह इधर सिटी सेंटर में ही बैठे होते हैं, इधर ही कुछ जैसे ही खाना कुछ डाले तो साथ ही आ जाते हैं। तो यार ये बस खड़ी है तो अभी हम बस में जाने लगे बाजी के घर, क्योंकि यहाँ से बहुत हमने एंजॉय कर लिया। तो अब तो यार बस से उतर गए थे तो अब बाजी के घर बस पहुँचने लगे, दो तीन मिनट की पैदल वॉक थी, फिर मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, तो देखता हूँ घर जाके फिर आपसे जो है ना बात होगी। आज देखो कैसे प्रेम पे लगा हुआ है, आज वाज साहब प्रेम में बैठे हुए हैं और फिर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं सिटी सेंटर फिर के आ गए। तो अभी हम बाजी के घर बस पहुँच गए ऑलमोस्ट। तो यार फाइनली बाजी के घर से निकल के घर आ गए थे, वहाँ पे गए थे तो हमने जो है ना वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं बना सका, वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, इसलिए जो है ना मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया। तो बाजी के घर गए थे, वहाँ थोड़ी देर बैठे थे तो फिर घर आ गए। तो ये देखो आवाज़ जो है ना कहता है मुझे भी व्लॉग में ले लो, तो आवाज ने जैसे ही कैमरा ऑन करो आपको पता है पुरानी है तो शोर शराबा डालना शुरू कर देता है। आवाज नो क्या हो गया, आवाज ने शोर डालना शुरू कर दिया, आवाज कहता है मुझे उठाओ और मुझे मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल की टार्च हो ना, तो इसलिए बस शुरू हो गया। तो जो है ना आज ये छोटा सा व्लॉग था मैंने जो बनाया आपके लिए, वैसे ही हम घूमने फिरने गए थे बाहर मार्केट में, जो शॉपिंग मॉल शॉप देखा था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें शेयर कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, अपने भाई को प्रमोट करो ताकि जो है ना आने वाले दिनों में मैं और व्लॉग्स बना सकूँ, क्योंकि आजकल व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि आप लोग प्रमोट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। सब्सक्राइब करो यार, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, फ्री है, वाज की खातर सब्सक्राइब करो, वाज खेल रहे आप उधर चला गया अभी वरना फिर आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, भाई को प्रमोट करो, यूके के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछ लिया करो, मैं जैसे ही टाइम मिले तो आपको बता दूंगा, वरना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो ज़रूर करो,
तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग पसंद आएगा, और तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।